नो कोचिंग, नो एक्स्ट्रा खर्चे और एंड में एक ऐसी बात जरूर बता दूंगा इसको सुनने के लिए आपके कान तरस चुके हैं। तो हेलो किंग्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपना आइल्स एक महीने के अंदर कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो भी विद द 7 to 8 बैंड्स। ठीक है, मैं 9 तो नहीं बोलूंगा क्योंकि 9 एक महीने में इम्पॉसिबल है, बट 7 to 8 बैंड्स आराम से आप एक महीने के अंदर क्रैक कर सकते हैं। और इसी वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे भी है। तो मेरे पास ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने अपने टाइम पे खरीदी थी, मेरे पास आइल्स की ये बहुत सारी बुक्स हैं और ये मैं गिव अवे कर रहा हूँ। इसमें ऑडियो सीडी भी है। तो दिस इज अ गिव अवे फ्रॉम माई साइड क्योंकि अभी मेरे किसी काम की नहीं है, मैंने सिक्योर कर लिए हैं आइल्स के अंदर 8 बैंड और आई एम वेरी हैप्पी विद इट। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक PDF अटैच है जो कि एक मंथली प्लान है, आप डाउनलोड करो और उसको फॉलो करो, आपका एक महीने में इजीली आइल्स क्लियर हो जाएगा। तो यार सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि तुम में से काफी लोग हैं और आई नो क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन में कभी था, जिसको पता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, वो कर सकता है, बट एक्चुअली वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है इंग्लिश के लिए, तो वो डर रहा है करने से, वो आइल्स का टेस्ट बुक नहीं कर पा रहा, वो डर रहा है कि वो इतना महंगा जो टेस्ट है वो उसमें फेल ना हो जाए, वो 15,000 दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता और वो डरा हुआ है और वो बस इसी डर की वजह से इस टेस्ट को बुक नहीं कर पा रहा। तो मैं इसे सिंपल से सोल्यूशन बताता हूँ, पास आओ बुक कर दो। ठीक है, इसका इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ नहीं है, तुम एक महीने या डेढ़ महीने की डेट लो और बुक कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ, बुक करने के बाद पेमेंट देने के बाद तुम्हारी तैयारी है ना, वो 2x 3x बढ़ जाएगी। ठीक है, और यही चाहिए तुम्हें, अभी पुश चाहिए तुम्हें और वो मिल जाएगा आराम से। तो बात करते हैं कि तुम एक महीने में इसको कैसे क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये दो YouTube चैनल्स हैं जिनको तुम्हें सब्सक्राइब करना है। द फर्स्ट वन इज यसाद याकूब सर, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यार ये टीचर ना सिर्फ अच्छा पढ़ाते ही नहीं बल्कि इतना एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं ना कि तुम इनकी सारी वीडियो देख जाओगे और तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट इतना अच्छा मिलेगा ना इस वीडियो से कि तुम्हें लगेगा यार जो देखते होंगे उनको पता ही होगा। ठीक है, सेकंड चैनल है द आइल्स लिस्टिंग टेस्ट। अब ये चैनल रोज लिस्टिंग टेस्ट की वीडियो अपलोड करता है जो कि मैंने डेली सॉल्व करता था, मतलब मैं इनके जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन ऑन थी कि जैसे ही वीडियो आती थी मेरे को टाइम मिलते ही मैं अपने कानों में हेडफोन लगाता था और इनका पेपर सॉल्व करता था। मतलब गुड पार्ट इज ये लोग लास्ट में सोल्यूशन भी देते हैं तो वो चाहिए होता है। ठीक है, अब ये दो वेबसाइट है जो तुम्हें बुकमार्क करनी है। पहली है ielsonlinetest.com, नीचे आ गया होगा। अब इस वेबसाइट में क्या है, यहाँ पे तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो ना, मॉक टेस्ट उतना ही बेनिफिशियल है जितना कि एक नॉर्मल तैयारी करना, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें दो तरीके से मॉक टेस्ट देने, शुरू के 15 दिन तुम्हें देने मतलब विदाउट टाइमर, तुम्हें बस मॉक टेस्ट कम्प्लीट करना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट कम्प्लीट करने का होगा। इन सेकेंड हाफ 15 दिन जब बचे होंगे तब तुम्हें टाइमर के साथ ये एग्जाम देना है, हर मॉड्यूल में जितना टाइम अलॉट है तुम्हें उतना ही टाइम देना है और उतने फटाफट से सॉल्व करके और फिर अपने आंसर चेक करने हैं। इससे दो चीज़ बिल्ड हो जाएंगी, पहली चीज़ बिल्ड होगी तुम उस टाइम प्रेशर के अंदर ऐसा परफॉर्म करना सीख सकोगे। ठीक है, और सेकेंड तुम्हें तुम्हारा लेवल मालूम पड़ जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और द सेकेंड वन इज दिस बुक। नाउ मेरे पास तो एक ही है, मतलब मेरे पास तो कुछ ही बदनू के लिए यहाँ पे है, बट अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो इसको खरीद लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4-5 एडिशन खरीद लेना। इसके भी जो लिंक है अमेजोन से वो डिस्क्रिप्शन में दे दी मैंने, ऑर्डर कर लो। और उसके बाद क्या होगा ना, इनके लास्ट में ना मॉक टेस्ट है, इनके लास्ट में क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर तुम ये नहीं खरीद सकते, अगर तुम्हारा बजट नहीं है खरीदने का इनको, तो इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। हाँ जी, अगर गूगल पे तुम ये लिखते हो आइल्स अकेडमिक 16 और PDF तो तुम्हें जो लिंक आएंगी वो उनमें से ढूंढ के तुम्हें ये एडिशन मिल जाएगा। बट आई सजेस्ट तुम्हारे पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए क्योंकि हार्ड कॉपी से तुम अच्छे से रीड कर सकते हो, तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज हो जाएगी। अब सुनो, लेट्स डिकोड आइल्स। नाउ आइल्स को अंडरस्टैंड करने से पहले तुम्हें उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। आइल्स के अंदर 4 मॉड्यूल होते हैं, लिस्टिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, अब तुम्हें सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि इनमें तुम्हें टाइम कितना मिलता है और तुम किस में अच्छे हो और किस में बुरे हो। जैसे मैं लिस्टिंग में बहुत अच्छा था, बाकी तीनों में बहुत बेकार था। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, शुरू के जो 3 दिन है ना, मैंने लिस्टिंग को भाई सुन के ख़त्म कर दिया। मतलब समझ रहे हो, मैंने ये सारी इसमें लिस्टिंग के जितने भी मॉड्यूल्स थे ना, मैंने वो सारे कंप्लीट कर दिए। उसके बाद जो मैंने बताया कि द आइल्स ऑनलाइन लिस्टिंग टेस्ट करके जो वेबसाइट थी, उसके जब भी आते थे मैंने 3 दिन के अंदर, शुरू के 3 दिन के अंदर तो भाई 5-6 टेस्ट दे रखे होंगे। तो मतलब मैंने उस टाइम पे बहुत तैयारी करी थी फॉर द फर्स्ट 3 डेज लिस्टिंग की, ताकि मेरा जो लिस्टिंग में जो ग्रिप था ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसके बाद मुझे लिस्टिंग करना था, 3 दिन मैंने अच्छे से लिस्टिंग करी। उसके बाद मैंने सिर्फ
रोज के एक दिन, जब तक मेरा आईएलटीएस का टेस्ट था ना, रोज के एक दिन एक टेस्ट या दो टेस्ट मैक्सिमम दिए मैंने लिस्टिंग के। तो शुरू के 3 दिन मैंने ये किया, उसके बाद जो अगले 3 दिन होंगे ना उसमें तो मैं अलग मॉड्यूल पकड़ना है। जैसे मान लो राइटिंग पकड़ ली तुमने, अगले 3 दिन तो मैं सिर्फ राइटिंग करनी है, और राइटिंग इतनी करनी है कि बस तुम कर करके थक जाओ, ठीक है, इतना तुम्हें हार्डवर्क करना है अगर तुम्हें अगर बैंड लाने हैं तो। उसके बाद अगले 3 दिन होंगे उसमें करनी है तुम्हें रीडिंग। अब रीडिंग में क्या होगा कि 3 दिन रगड़ देना, तो ऐसे ऐसे करते 9 दिन तुम्हारे, हर मॉड्यूल में तुम्हें 3 दिन दे दिए और तुम्हारा ये स्ट्रांग हो गया। बात करते हैं स्पीकिंग की। तो स्पीकिंग देखो एक ऐसा मॉड्यूल है जो तुम 1 महीने के अंदर नहीं सीख सकते। स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ओवर द टाइम करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि तुम अगर एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होगे, उसके बाद अगर तुमने ग्रेजुएशन करी होगी, या फिर अगर नहीं भी करी है तो अगर तुम स्कूल में तुमने इंग्लिश पर अगर फोकस किया है तो तुम निकाल लोगे, ठीक है। जब तुम एंटर करते हो ना उस रूम के अंदर, तो बस अपने आपको ये सोच के जाओ अंदर कि तुम एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने जा रहे हो, तुम उससे बात करने जा रहे हो। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं देख के तुम्हें बताता हूँ। अगर इंटरव्यू तुमसे ये पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और तुम उसका आंसर देते हो आई थिंक राहुल गांधी इज डूइंग गुड एंड ही इज अ कैपेबल लीडर। नाउ देखो मैंने इसमें एक गलती कर दी, मैंने प्राइम मिनिस्टर को राहुल गांधी बोल दिया। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली वो तुम्हारी जीके चेक नहीं कर रहे, तो तुम चेक कुछ भी बोल के आ जाओ, वो जो चेक कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि तुम्हें क्या उनका क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या तुम एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर पा रहे हो, दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। और मुझे इतना पता है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश बोल सकते हो ना, और बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, 2 तरीके हैं। पहला देखो मैं अपना केस में बताऊं तो मेरे को बहुत शर्म आती थी घर में इंग्लिश बोलने में, और तुम जैसे बहुत हो गए जो घर में शर्माते होगे। तो 2 तरीके हैं, पहला एक अपना कैमरा खोलो, सेल्फी कैमरा, वो शीशे के मत खड़े, क्योंकि शीशा यूजुअली एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे सारे मतलब देख रहे होते हैं। अपने कमरे में एक सेल्फी कैमरा खोलो, उसमें अपने आपको देखो और कुछ कुछ बोलते जाओ। अगर तेज नहीं बोल सकते ना, धीरे धीरे बोलो, पर बोलो पक्का, ठीक है। अपने आपको देखो, आई कॉन्टेक्ट करो, और फिर बोलो बोलो बोलो। एक ऐसा टॉपिक उठाओ फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज की जो तुम्हें पता हो, जो तुम्हें पता हो कि तुम बिना देखे हुए बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसे टॉपिक्स उठाओ जो तुम पढ़ रहे हो पहले, उसके बाद तुम उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। अब जैसे तुमने रीडिंग करी, तो रीडिंग का तुमने जो कॉम्प्रिहेंड किया उसको तुम बंद करके एक बार बुक को, और फिर बोलना शुरू करो। तो देखना मैं बता रहा हूँ, ये टेक्निक है ना तुम्हारी इंग्लिश के लेवल को यहाँ से यहाँ ले जाएगी, ठीक है। और द थिंग इज न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, और जो इंटरेस्ट है वो पढ़ो, इंग्लिश मूवी देखो, वो तो बहुत ही यू नो बेसिक और कॉमन एडवाइजेज हैं। बट जो मेरे को हेल्प करी थी वो यही करी थी कि मैं यूजुअली ऑफिसेज में, अपने ऑफिस में और यूजुअली अपने कॉलेज में ट्राई करता था उन लोगों से इंग्लिश में बात करने का जो मतलब जज नहीं करते थे, और वो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत लोग आते हैं तो जज करते हैं, तो उससे बचना है, ठीक है। तो स्पीकिंग हो गया, लिस्टिंग हो गया, अब बात करते हैं रीडिंग की। तो देखो रीडिंग का सीन ऐसा होता है कि बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं और तुम उसको पढ़ लेते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता। तो जब मेन एडवाइस ये है कि पहले क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद आंसर्स रीड करो, ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ रीड करो, और फिर देखो कि कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चुनना कि सेलेक्ट कौन सा हो रहा है, ये चुनना है कि एलिमिनेट कौन से हो रहे हैं, तो उनको हटा दो जो तुम्हें लगता है कि यार ये तो बन ही नहीं रहा। उसके बाद हटाने के बाद फिर जो बचे उसमें से टिक कर दो जो तुम्हें लगता है कि बेस्ट होगा। यही टेक्निक है, और कुछ टेक्निक नहीं है, और प्रैक्टिस है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, ये जो इसमें जितने भी सारे ना सारे खत्म कर दो। मैंने देखो यार ये पूरी खत्म कर दी थी 1 महीने के अंदर, इसमें जितने भी जो मेरे रीडिंग के मॉड्यूल्स है ना सब खत्म कर दिया था। तो इतना भी अगर तुमने कर लिया ना तुम्हारा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 1 महीने के अंदर। और रही बात राइटिंग की, तो राइटिंग में सबसे पहले तुम्हें ये फिगर आउट करना है कि क्या तुम पेन पेपर देना चाहते हो या तो कंप्यूटर पे देना चाहते हो। अब मैंने कंप्यूटर पे चुना था, क्यों? 2 रीज़न। कंप्यूटर बेस में एक तुम डिलीट कर सकते हो चीज़ों को, वो ज़्यादा अगर तुम मतलब कंप्यूटर बेस में एक तुम फास्ट टाइप कर सकते हो अगर तुम्हारा थोड़े से प्रैक्टिस है। और सेकंड चीज़ ये होती है कि कंप्यूटर बेस का रिजल्ट भी जल्दी आता है, बट वो छोड़ो अलग बात है। और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए वो ये थी कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस था पेन एंड पेपर से, मतलब मैंने कंप्यूटर से यूज़ किया है आफ्टर माई ग्रेजुएशन। अब क्या ना कि मैं अगर लिखूं भी तो गलती हो जाए फिर उस पेन पेपर में उसको मिटाते रहो, तो बहुत ही मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर पर दूंगा बैकस्पेस मार के डिलीट, और अपने पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूंगा। तो मेरे को प्रैक्टिस थी, तो अगर तुम्हें जो फेवर और सूट करता है तुम अपना वो करो। दिस इज हाउ आई क्रैक्ड रिटन ऑल्सो। अब राइटिंग का वही है, देखो अब तुम जब बाकी 3 चीज़ करोगे ना तो राइटिंग भी समझ में आ जाएगी।
अब एक चीज मैंने और जो करी थी राइटिंग में वो ये थी कि मेरे को ना कुछ वर्ड इंग्लिश के ना बहुत ही मतलब मैं हमेशा गलत टाइप करता, स्पेलिंग नहीं पता थी मेरे को, बहुत ही कॉमन वर्ड थे जिनकी स्पेलिंग मेरे को थोड़ी कंफ्यूज करती थी। तो मैंने उनको क्या किया, एक रजिस्टर के पीछे एक दो तीन पन्ने रिजर्व किए जिसमें मैं सारे वो वर्ड लिखता था जो वर्ड्स मुझे खुद कंफ्यूजिंग लगते हैं, और फिर मैं उनको अपने हाथ से लिखता था ताकि यू नो एक मसल मेमोरी होती है तो मेरे को मसल मेमोरी डेवलप हो जाए। तो उसको पाँच छः बार लिखता था मैं हर वर्ड को, तो एक मसल मेमोरी डेवलप हो गई थी जो इसने मेरे को बहुत हेल्प करी। ये काम भी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें स्पेलिंग्स की थोड़ी सी डर लग रहा है, क्योंकि यार देखो आईएलटीएस पूरा डर का गेम है। मतलब मुझे ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा, मतलब हवा जरूर बना हुआ है कि आईएलटीएस, बट अगर तुम थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हो और तुम थोड़ा सा मतलब पढ़ते हो इंग्लिश आ रहे हो तो तुम कर लोगे। और अभी तक अगर तुम यहाँ पे रुके हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ बता पाया हूँ जो शायद तुम्हें नहीं पता था, तो यार एक लाइक दे दो उसके लिए, और फटाफट से सब्सक्राइब ठोक दो, जाके पंच मारो और ठोक दो, ठीक है? नहीं यार तोड़ मत देना, वो ज़रूरी फ़ोन, अभी फ़ोन सारी पढ़ाई मुझे लग रहा है फ़ोन से कर रहोगे काफ़ी लोग। अब ये बात मेरी सुनो ध्यान से, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब तुम किसी के इंटरव्यू की वीडियो देखते हो ना तो इंश्योर करना कि तुम 7 बैंड वाले की देख रहे हो, ठीक है? 7 या 6 बैंड वाले की। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम 9 बैंड वाले की देखोगे ना तो तुम्हें एक अंदर से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो हो जाएगा कि अरे तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, या बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, फिर तुम्हें ना डरोगे। तो उससे अच्छा यह है कि उनकी इंग्लिश देखो जो 6 या 7 बैंड लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे है 6 और 7 बैंड वाले की वीडियो देखो, तुम्हें से लगा भाई अगर ये बोल सकता ना तो मैं तो इससे बेटर ही बोल सकता हूँ, ठीक है? और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट ही चाहिए तुम्हें इस टाइम पे। तो 2 टिप्स हैं, पहली आईएलटीएस बुक कर दो, अभी बुक कर दो, इस वीडियो को खत्म होते बुक कर दो, अगर तुम प्लान कर रहे हो ना तो बुक कर दो, 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम 2 महीने की डेट लेके बुक कर दो, अपना स्केड्यूल प्लान करो। अगर तुम्हें मेरा प्लान चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और सेकंड, फालतू फंड की वीडियोस मत देखो जो डरा रहे हैं उनको मत देखो, आईएलटीएस हार्ड होता ही होता है, आई कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है, बस ये है कि उस प्रेशर को थोड़ा यू नो फैमिलियराइज कर दो, पहले ही तुम ऐसे कंडीशन बना के अपने प्रैक्टिस के अंदर कि तुम उस प्रेशर में डील करना सीख सको कि तुम कैसे उसको प्रेशर को डील करना है, क्योंकि वहाँ जाके थोड़ा सा सीरियस टेंस माहौल हो जाता है, घड़ी चल रही होती है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे, इसका ध्यान रखना बस। बाकी कोई भी डाउट हो इन डेप्थ मैं ये बता सकता हूँ अगली वीडियो में, या फिर आगे कभी बात करेंगे कि हर एक मॉड्यूल को इन डेप्थली तुम कैसे पढ़ सकते हो, और कोई कोर्स भी बना दूंगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है? मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।